दोस्तों अगर आपको गेमिंग करना पसंद है, साथ ही दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुनना भी पसंद करते हो तो दोस्तों आपको हेडफोन की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ी होगी। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अंडर 1000 में आने वाले कुछ बेहतरीन हेडफोन। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना एंड लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर अंडर 1000 में आने वाले हेडफोन्स के बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन तो होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों मिनिमम 10 आवर्स का प्ले टाइम होना चाहिए, मिनिमम दोस्तों 10 मीटर की वायरलेस रेंज होनी चाहिए, कम से कम दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन 5 होना चाहिए एंड साथ ही दोस्तों मिनिमम 35mm के ड्राइवर साइज होने चाहिए। ये सारी स्पेसिफिकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो के हमारे बेसिक क्राइटेरिया में आती है। एंड दोस्तों हमारी लिस्ट में जो हेडफोन पांचवें नंबर पर आता है इसका नाम है दोस्तों पीट्रोन स्टूडियो। इस हेडफोन में दोस्तों आपको 12 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 आता है, 10 मीटर की वायरलेस रेंज आती है, 400mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड दोस्तों 40mm के ड्राइवर साइज आते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये हेडफोन आपको 800 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसमें आपको कई सारे बटन्स भी देखने को मिलते हैं जिससे दोस्तों आप म्यूजिक प्ले ऑफ कई सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ओवरऑल दोस्तों एक अच्छा हेडफोन है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस रेंज में और भी कई सारे अच्छे हेडफोन आते हैं, इसीलिए दोस्तों हमारी लिस्ट में ये हेडफोन पाँचवें नंबर पर आता है। फोर्थ नंबर पर दोस्तों जो हेडफोन आता है इसका नाम है दोस्तों लीफ बेस वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट। इस हेडफोन में दोस्तों आपको 10 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 आता है एंड दोस्तों 38mm के ड्राइवर साइज देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये हेडफोन भी आपको 1000 रुपीज की प्राइस रेंज में मिल जाएगा एंड इसमें भी दोस्तों आपको कई सारे बटन देखने को मिलते हैं जिससे दोस्तों आप कई सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। इस हेडफोन को दोस्तों मैंने अपनी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों इसमें आपको साइड में एक बटन देखने को मिलता है जिससे दोस्तों आप सीरी या गूगल एलेक्सा की सर्विस भी इंस्टेंटली ले सकते हो एंड दोस्तों अमेजोन पर इसको काफी अच्छी रेटिंग्स भी मिली हुई है। तो ओवरऑल दोस्तों एक अच्छा हेडफोन है, लेकिन हमारी लिस्ट में ये हेडफोन फोर्थ नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हेडफोन आता है जैबरोनिक जैब बैंग। इस हेडफोन में दोस्तों आपको 16 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 आता है, 10 मीटर की वायरलेस रेंज देखने को मिलती है एंड दोस्तों 40mm के ड्राइवर साइज आते हैं। ये हेडफोन दोस्तों आपको 800 रुपये में मिल जाएगा एंड इसमें भी दोस्तों आपको कई सारे बटन्स देखने को मिलते हैं जिससे दोस्तों आप कई सारी चीज़ें को कंट्रोल कर सकते हो। एंड दोस्तों जैबरोनिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी दोस्तों डिटेल कमी मिल पाती है, यहाँ तक कि इनकी ऑफिशियल साइट पर भी ज़्यादा डिटेल नहीं मिली, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 16 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है, साथ ही दोस्तों 40mm के ड्राइवर साइज आते हैं, इसीलिए दोस्तों ये हेडफोन मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। एंड दोस्तों मैं आपको जितने भी हेडफोन्स बता रहा हूँ सभी के लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उन्हें इजीली परचेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो सेकंड नंबर पर हेडफोन आता है इसका नाम है दोस्तों जैबरोनिक जैब थंडर। इस हेडफोन में दोस्तों आपको 16 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 आता है, 10 मीटर की वायरलेस रेंज आती है एंड दोस्तों 40mm के ड्राइवर साइज आते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये हेडफोन आपको 850 रुपये में मिल जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है एंड 40mm के ड्राइवर साइज आते हैं। तो जैबरोनिक की तरफ से आने वाला दोस्तों ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। ये हेडफोन मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है। सो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर पर हेडफोन आते हैं इसका नाम है दोस्तों बोट रोकर्स 370। काफी बढ़िया हेडफोन है दोस्तों। इस हेडफोन में दोस्तों आपको 12 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है, 300mAh की बैटरी आती है, ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलता है, 10 मीटर की वायरलेस रेंज आती है एंड दोस्तों 40mm के ड्राइवर साइज आते हैं। बोट की साइट पर दोस्तों ये हेडफोन आपको 1200 रुपये में मिल जाएगा एंड सेल में दोस्तों आपको ये अंडर 1000 रुपीज की प्राइस में मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों बोट के जितने भी ऑडियो प्रोडक्ट्स होते हैं मुझे पर्सनली दोस्तों काफी अच्छे लगते हैं, इनकी लुकिंग भी दोस्तों काफी अच्छी है, ये दोस्तों एकदम काफी बढ़िया हेडफोन है। एंड दोस्तों लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने आपको जो सेकंड नंबर पर हेडफोन बताए एंड दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर हेडफोन है ये दोनों हेडफोन अंडर 1000 में आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एक कंफर्टेबल हेडफोन चाहिए तो दोस्तों आप जैबरोनिक जैब थंडर को परचेस कर सकते हो एंड अगर दोस्तों आपको बोट के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आपको एक अट्रैक्टिव लुकिंग वाला हेडफोन चाहिए तो दोस्तों आप बोट रोकर 370 को परचेस कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये दोनों ही हेडफोन आपके लिए एकदम बेस्ट हो सकते हैं। आप इनमें से किसको परचेस करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको अंडर 1000 में आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे हेडफोन थे सभी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया एंड इन सभी हेडफोन्स के लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूले, फिर मिलेंगे कोई शानदार वीडियो साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।